अंतहीन आसमान में पूर्णिमा की रात को सितारों की चादर ओढ़े चांद बड़ी शान से अपनी शीतल चांदनी बिखेरता हुआ आंखों को सुकून देता है। तो इधर भारत देश के राजस्थान प्रांत की मरुभूमि में बालू रेत के चमकते विशाल टीलों के बीचों बीच स्थित दूधिया संगमरमरी पत्थरों से बनी इस शानदार इमारत का दर्शन भी आंखों के भीतर उतर कर तन मन व रूह तक को आनंदित कर जाता है। यूं तो पहली नजर में ताजमहल सा आभास देती है ये नायाब इमारत, मगर अध्यात्म की नजर से देखा जाए तो ताजमहल भी इसके सामने बौना ही साबित होगा। क्योंकि वो तो फानी दुनिया के जिस्मानी इश्क की निशानी है, जबकि इमारत पाक रूहानी इश्क की। ताजमहल एक बादशाह ने अपनी बेगम की याद में बनवाया और इसे भक्तों ने अपने पीर मुर्शिद की याद में। उसे बनवाने में बादशाह ने अपनी बेशुमार दौलत का मामूली सा हिस्सा खर्च किया, जबकि इसे बनवाने में लाखों लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई में से औकात से बढ़कर दिया है। आज अरबों खरबों में ही सही ताजमहल की कीमत तो आंकी जा सकती है, लेकिन आस्था और श्रद्धा तो अनमोल हैं, भला इन्हें कौन किस तराजू में तोल सकता है। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं 16वीं सदी के पर्यावरण व जीव प्रेमी महान संत और विष्णुई धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के विश्व प्रसिद्ध मंदिर मुक्तिधाम मुकाम का। मंदिर के सामने स्थित इस हवन कुंड में नित्य प्रति सुबह शाम देसी घी व पवित्र हवन सामग्री द्वारा जम्भवाणी के मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ किया जाता है, जबकि हर अमावस्या के दिन लगने वाले मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन के कारण इससे थोड़ा हटकर बने इस विशाल हवन कुंड में हवन किया जाता है, जिससे दूर दराज से आए सभी लोग आहुति डाल सके। मुख्य द्वार की चौखट के ऊपर शब्दवाणी जंभ सागर का महामंत्र अंकित है। ओम विष्णु विष्णु तु भण रे प्राणी पैके लाख उपाजू
रतन काया वैकुंठे बासो जरा मरण भय भाजो। भीतर गर्भ गृह में श्री गुरु महाराज जी की पावन समाधि सुशोभित है। यहाँ भक्त जन चारों ओर परिक्रमा करके अपना शीश नवाते हैं और अपने इष्ट का आशीर्वाद व कृपा प्रसाद पाते हैं। हर श्रद्धालु मूक भाषा में अपनी बात कह रहा है और वो सबकी सुन रहा है, क्योंकि वो किसी भाषा का मोहताज नहीं है। दाता के दरबार में जाने कौन क्या क्या मांगने आता है, और उससे भी बढ़कर क्या क्या ले जाता है। अखिल भारतीय विष्णोई महासभा द्वारा श्री जम्भेश्वर जी, जिन्हें भक्तजन श्रद्धा भाव से जम्भू जी महाराज का संबोधन भी देते हैं, के इस निज मंदिर मुक्ति धाम मोकाम का जीर्णोद्वार समस्त विष्णोई समाज के सहयोग से करवाया गया और फाल्गुनवदी अमावस्या 18 फरवरी 1996 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भजन लाल जी ने इसे अपने कर कमलों से बिश्नोई समाज को समर्पित किया। इस भव्य मंदिर के निर्माण में श्री जम्भू जी द्वारा दी गई 29 नियमों की आचार संहिता को सांकेतिक रूप से दर्शाते हुए भीतर व बाहर कुल 29 स्तंभों का निर्माण किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 129 फुट रखी गई है। गोल गुंबद का अर्धव्यास भी 29 फुट है, तो चारों ओर की परिक्रमा भी 29 फुट है। इसी प्रकार निज मंदिर के बाहरी दरवाजे से बाहरी सीढ़ियों तक की लंबाई 229 फुट रखी गई है। प्रांगण के दक्षिण कोने में स्थित इस खेजड़ी अर्थात जाटी के सदियों पुराने पेड़ को सुरक्षित रखा गया है। मंदिर के दाहिनी ओर ये है अखिल भारतीय विष्णोई महासभा का विशाल 3 मंजिला कार्यालय। केवल मुकाम धाम ही नहीं, सभी अष्ट धामों के निर्माण व प्रबंधन का कार्य इसी बिश्नोई महासभा की निगरानी में होता है। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। श्री लोवट घर अवतार की जय। श्री अंसा दे मैया की जय। सभी अवतारों की जय। सर्वधामों की जय। हरि ओम। आदि अनादि युगादक योगी लोवट के घरे अवतार लियो है। धन्य है धन्य है भाग्य बड़ो हंसल को हरि मात कयो वै। होत उजास प्रकाश भयो रैण गटी अरु भोर भयो। कोटि दवा दस के ही काज केशव दास बने शमरा स्थल आय रयो। हरिओ श्री जम्भेश्वर भगवान की। और जिनकी ज्योति अपार जग कारण तारण तिरण सकल सो है ईष्ट हमार। ब्रह्मा विष्णु महेश को सबको सिरजनहार। किसी विधि बखान करूं मैं गुरु का महिमा अपरम पार।
श्री गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। मंदिर के पिछली तरफ स्थित ये विशाल भोजनालय है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए हर समय देसी घी से तैयार पवित्र भंडारा उपलब्ध रहता है। खासकर मेलों में आने वाली भारी भीड़ के लिए भंडारे का प्रबंध अखिल भारतीय श्री जम्भेश्वर सेवक दल के हजारों सेवादार बड़ी कुशलता पूर्वक संभालते हैं और इस बांझ सी समझे जाने वाली मरुभूमि में इतने विशाल भंडारे देखकर आम लोगों को बड़ा अचरज होता है। आसपास ये सभी अलग अलग राज्य जिला या ग्राम स्तर पर श्रद्धालुओं द्वारा अपनी अपनी धर्मशालाएं बनवाई गई हैं। यहाँ पर वे हर मेले पर आकर ठहरते हैं और फिर खाली सी दिखने वाली ये इमारतें भारी भीड़ से इतनी भर जाती हैं कि पैर भी रखने की जगह नहीं रहती। असल में उन्हीं दिनों में यहाँ के चप्पे चप्पे को अपनी सार्थकता महसूस होती है। मुकाम धाम का 1600 एकड़ का औरण अर्थात पेड़ों गौवों व जंगली जीवों के लिए आरक्षित भूमि है। यहां पर कोई भी निर्माण कार्य करना, शिकार करना या पेड़ काटना वर्जित है। दूर दूर तक मरुभूमि का श्रृंगार कही जाने वाली और जम्भू जी की प्रिय खेजड़ी व कंकहेड़ी के अलावा बेर जाल व कीकर के पेड़ों की ही भरमार है। बरसात के दिनों में जब घास फूस व झाड़ियां इस पूरी धरती को ढक लेती हैं तो ये स्थान अलग ही मनोरम नजारा पेश करता है। गुरु महाराज जी के पर्यावरण प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। उन्होंने फरमाया कि सिर सांटे रूख रवे तो भी सस्तो जान, अर्थात सिर देकर भी अगर पेड़ बचता है तो सौदा सस्ता ही समझो। इस विशाल औरण में सुबह शाम मोर तीतर बटेर जैसे पक्षी अपने मधुर स्वरों में श्री जाम्भू जी की महिमा गाते हुए प्रतीत होते हैं। नन्ही सी जान और डरपोक सजीव खरगोश स्वयं को जाम्भू जी की छत्र छाया तले सुरक्षित महसूस करते हुए ही जब जी चाहे अपने बिल से बाहर निकलकर घूम आता है। मासूम सा हिरण
जब दौड़ता हुआ हवा में चौकड़ी भरता है तो लगता है कि श्री जम्भेश्वर जी को साष्टांग प्रणाम कर रहा है, क्योंकि इन्हें पता है गुरु महाराज जी के बनाए नियम जीव दया पालनी के कारण उनके अनुयायियों से इन्हें कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये इनकी जी जान से रक्षा को भी हमेशा तत्पर रहते हैं। आज भी बिन मां के हिरण व खरगोश के बच्चों को बिश्नोई महिलाओं द्वारा अपना दूध पिलाकर पालने के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। नून प्रणाम जी। गुरु भगवान ने जम्भेश्वर भगवान ने ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। हमारे गुरु जी है जम्भेश्वर भगवान, ये के आस्था के प्रतीक है, जीवों के दरख्तों के प्रति इनकी श्रद्धा थी। ओम विष्णु ओम विष्णु नून प्रणाम। इनकी डोकरी की कृपा है आपने भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जो कुछ करना वो एक ही है। अच्छा ठीक। हाँ अच्छा जन्म जन्म हटी शांति मिले। बहुत शांति बहुत बढ़िया महसूस हुआ जी, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अपने गुरु महाराज का चरण में तब अपने आत्मन शांति मिले, बहुत बढ़िया। दूर आ रहे होते कौन सा गांव आ रहे हो? मैं गांव रायपुर आ रहा। मैं 15-20 साल तो लगातार आयो हर मास, और अभी मैंने एक साल है आई जो कौन मेरा हूँ, तो इनके बजाय अभी भगवान हूँ, माफी मांगन खातर आये हूँ। आते साल 12 महीने माना थी, 12 महीना हर महीने आते हो जी। हाँ हवा। इस वक्त अखिल भारतीय विष्णु महासभा ने मुझे अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, तो मैं गुरु महाराज के नियमों के मुताबिक हमारे सम्राटल मुकाम हमारे जाम्बा हमारे जांगलू जितने भी हमारे गुरु महाराज की 8 साथरी हैं, सब साथरियों में जहाँ जहाँ मेले लगते हैं उसके मेले की व्यवस्था करने का काम अखिल भारतीय विष्णु महासभा का है। महासभा में लाखों लोग जो है साल में 2 बार मेले भरते हैं, और वैसे तो आजकल हर अमावस्या पे जो है समाज के लोग जो है गुरु महाराज के यहाँ श्रद्धा सुमन भेंट करने आते हैं, तो उसकी सारी व्यवस्था अखिल भारतीय विष्णु महासभा करती है। उनको ठहरने की व्यवस्था के लिए जगह जगह धर्मशालाएं लोगों ने अपने अपने जिले की खुद बना रखी है, महासभा ने भी बना रखी है, और लंगर की व्यवस्था महासभा ने जो भंडारा जो समाज का जो है वो भी समाज के ही इकट्ठी करके गेहूँ से जो चलाया जाता है उसमें सारे लोग जो है वो समाज के लोग सेवक जो है हमारे हज़ारों सेवक जो समाज के हैं जो उसकी लंगर की व्यवस्था करते हैं। और गौशाला है हमारी यहाँ जिसमें कम 2500 गौए हैं, जहाँ आंधी लंगड़ी लूली गौशाला भी जो है वही अखिल भारतीय विष्णु महासभा गौशाला की व्यवस्था ही जो है वो अपने समाज के लोगों के चंदे से इकट्ठे की जाती है। जहाँ जहाँ भी विष्णु समाज रहता है आज स्थिति ये है कि पेड़ों की संख्या वहाँ ज़्यादा है और हिरणों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। अखिल भारतीय विष्णु महासभा इसके लिए राज्य सरकार को नए प्रस्ताव भी भेजती हैं, इन हिरणों की कानून इस तरह के थोड़े सख्त बनाए जाएं, पेड़ों को बचाने के कानून सख्त बनाए जाएं। विकास की गति में जो देश आगे चल रहा है, पेड़ कटता है तो भी हम ये कहते हैं कि एक पेड़ की जगह 5 पेड़ सरकार लगाए ताकि सरकार भी इसमें सहयोग करे। पेड़ों को बचाने के लिए तो बिश्नोई समाज ने जो है 363 बिश्नोई बलिदान हो गए थे जोधपुर के पास खेजड़ली गाँव में, और हिरणों को बचाने के लिए आज भी बिश्नोई जगह जगह जहाँ 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 कहीं कहीं हिरणों का शिकार की कोई बात आती है भले ही रात का हो कभी दिन में हो तो बिश्नोई भाग खड़ा होता है, अपनी जान को भी जोखिम में डाल के जीव को बचाता है। ये गुरु महाराज का संदेश था। गुरु महाराज ने कहा था कि सिर सांटे रूख रवे तो भी सस्त हो जान, अगर एक सिर कटता है एक पेड़ बचता है तो उससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता। गुरु महाराज कहता है कि पेड़ जो है वो सबसे बड़ा भामाशाह है, पेड़ अपने ऊपर कितने तरह के पक्षियों को बैठता है, कभी वो जाति भेद नहीं करता है कि कौन पक्षी बैठे कौन नहीं बैठे, उसके नीचे छायों में कौन कौन जाति बैठती है कौन पशु बैठता है कभी पेड़ बोल कह के निकलता उठाता नहीं। पेड़ जितना शांत रहता है, गुरु महाराज यही कहते हैं, शांत रह के तुम समाज की जितनी सेवा कर सकते हो, पेड़ की भांति भामाशाह बनो, पेड़ की भांति भगवान बनो। पेड़ ने अपने ऊपर पक्षियों को उठाता है, नीचे बैठने वाले कभी जातीय भेद करता है, और सारा दिन पूरा जीवन पूरा जो जितनी वो ऑक्सीजन एक पेड़ दे सकता है वो ऑक्सीजन प्रकृति के द्वारा आज कितना बड़ा समाज हो गया, बड़े बड़े हमारे जो हॉस्पिटल बन गए लेकिन वो ऑक्सीजन जो एक पेड़ देता है, और आज दुनिया इस बात पे देख रही है
कि बिश्नोई समाज आज इस जिस बात को वन्य प्राणियों को बचाने में और पेड़ों को बचाने में अपना जो सर्वस्व त्याग कर देता है, ये सबसे बड़ी जो गुरु महाराज का जो है ये संदेश था। आज उसी संदेश पे हम अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा भी उसी पे सारे, दरअसल क्या हर बिश्नोई समाज का हर सदस्य अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का मेम्बर है, सदस्य है। हर आदमी अपने आप को बिश्नोई महासभा का सदस्य समझता है और उसी आधार पे, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ गुरु महाराज की आपके नियमों की पालना करना, गुरु महाराज के नियमों के मुताबिक चलना और गुरु महाराज के कहे हुए आदेश अनुसार वन्य प्राणियों की रक्षा करना, ये गुरु महाराज का संदेश था और हर बिश्नोई आज इसी संदेश पे लगा हुआ है। गुरु महाराज का जो आखिरी जो निर्वाण जो उनका शरीर जो उन्होंने जो है छोड़ा, वो लाला सरसात्री में छोड़ा, उस वक्त वो लाला सर साथरी में थे। और फिर लाला सर साथरी में उन्होंने पहले बता दिया कि मेरी समाधि उस जगह लगानी है जहाँ आप जिस जो को समाधि खोदोगे तो जहाँ आपको शिव भगवान का त्रिशूल मिलेगा। जब 7 या 8 फुट जब समाधि खोदी गए तो शिव जी भगवान का त्रिशूल था वहाँ गड़ा हुआ और उस त्रिशूल मिला और वो त्रिशूल उसी वहाँ समाधि लगाई और वो त्रिशूल आज भी मंदिर के ऊपर लगा हुआ है गुरु महाराज के वक्त में जो उनकी समाधि के बदले है। मैं द लाइव फिल्म प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल का बहुत आभारी हूँ कि इस वक्त के आर्थिक युग में भाग रहे लोगों से अलग आप लोगों ने एक पर्यावरण प्रेमी आपकी भावनाएं पैदा हुई और गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो प्रकृति प्रेमी संत थे, जिसने आज से 550 साल पहले वन्य प्राणी और पेड़ को बचाने के लिए भी ये संदेश दिया था कि पेड़ भी आदमी की तरह जिंदा रहता है, आदमी तरह रोता है और ये हमें जीवन देता है। हमें जितनी आक्सीजन है, आज से 550 साल गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस पूरे मरुस्थली इलाके के अंदर ये प्रचार किया था और एक पंथ चलाया था जिसको 29 नियमों के साथ बिश्नोइयों ने उनके शिक्षा में, सिर्फ प्रकृति प्रेमी शिक्षा है, जहां गुरु महाराज ने अपने संदेश से उनको ये कहा। मैं आज भी आपको उन सभी पूरे विश्व के अंदर आज इस बात की दौड़ पे, आज लोग ये समझ रहे हैं कि अगर प्रकृति के हम प्रदूषण से अगर हमें बचना है, प्रकृति को बचाना पड़ेगा, हमें पेड़ पौधों को बचाना पड़ेगा, वन्य प्राणियों को बचाना पड़ेगा और इनके बिना अगर हमारा जीवन बेकार है। इसलिए आज आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, मैं इसके लिए आप पूरी टीम को धन्यवाद दें। मैं चाहूँगा कि इसको एक बहुत बड़ी फिल्म के तौर पर पूरे विश्व में फैलाएँ आप, ताकि विश्व इस बात को देखे कि राजस्थान के अंदर आज एक ऐसा इलाका भी है जहाँ आज भी पेड़ और वन्य प्राणियों के लोग प्राण देते हैं। 363 खेजड़ी के पेड़ों पे लोगों ने 350 साल पहले चिपट के इसलिए मर गए कि हमारा सिर कलम हो जाए लेकिन पेड़ को नहीं कटने देंगे, और उसके बाद ये पेड़ बचे और आज पूरा विश्व कह रहा है पेड़ बचाओ, पेड़ बचाने अभियान लगा हुआ है। पेड़ हमें जितनी ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमें जितनी, पेड़ में गुरु महाराज ने बहुत अपने साथ अपने शब्दों में कहा कि इससे बड़ा भामाशाह दुनिया के अंदर कोई है नहीं। ये बिना कुछ बोले कितने पक्षियों को घोंसला देता है, फल देता है, अपनी छाया देता है और जितना ऑक्सीजन देता है, बड़े से बड़े किसी आपको मेडिकल हॉस्पिटल में कॉलेज में इतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती जो एक पेड़ देता है। इसलिए सारे पर्यावरण प्रेमियों से, मैं विश्व के सारे पर्यावरण प्रेमियों से मैं ये अपेक्षा करूँगा कि गुरु महाराज के सिद्धांत को पूरे विश्व में फैलाएं और प्रकृति को बचाएं, पेड़ों को बचाएं, वन्य प्राणियों को बचाएं। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संचालन में चल रही मुकाम संभ्राथल के रास्ते पर स्थित ये विशाल गौशाला उसी औरन का हिस्सा है। यहाँ पर वन्य प्राणियों के भोजन पानी का भी विशेष प्रबंध किया जाता है। वह घायल पशु पक्षियों को अलग रखकर उपचार भी किया जाता है। श्री जम्भू जी महाराज द्वारा बाल्य अवस्था में गोचारण के कारण
उनके अनुयायियों में भी गौ सेवा के प्रति विशेष लगाव देखा जाता है। इसीलिए मरुस्थलीय क्षेत्र होते हुए भी यहाँ काफी गौशालाएं देखने को मिल जाती हैं। ये बड़े बड़े शेड हजारों गायों को आश्रय दिए हुए हैं। बीमार व घायल गायों के इलाज का भी यहाँ पूरा प्रबंध है। इस क्षेत्र में हरे चारे की कमी के कारण सूखे चारे का भंडारण करने के लिए विशाल भंडार गृह भी बनाया गया है। इसके ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ ये राजस्थान वन विभाग द्वारा निर्मित वन्य जीवी उपचार केंद्र है। यहाँ बीमार व घायल जंगली जीवों के उपचार व भोजन का उचित प्रबंध है। नारायण नारायण नारायण। मैं स्वामी रामानंद यहाँ मुकाम धाम में लगभग पिछले 50 वर्षों से निरंतर रह रहा हूँ और सामाजिक सभी गतिविधियों में विशेष तरीके से सहयोग और मेल मिलाप कार्यक्रम मेरा है। और यहाँ साल में 2 बार बड़े मेले लगते हैं, मुक्ति धाम मुकाम समराथल धोरा दोनों का एक साथ ही कार्यक्रम मेलों का चलता है और उसी के साथ साथ अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का कार्यालय मुख्य कार्यालय भी यहीं है और महासभा के साथ भी मेरा संबंध है। और भी कोई सामाजिक विशेष गतिविधियां होती है उनमें सक्रिय भाग लेता हूं। बिश्नोई धर्म की स्थापना आज से ठीक 500
35 वर्ष पूर्व, अभी पिछली 8 तारीख को भी बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस मनाया गया था यहाँ। जामो जी महाराज के संबंध में बीलो जी महाराज ने संक्षेप में बतलाया कि जामो जी महाराज ने यहाँ अवतार लेकर के क्या क्या काम किए और किस तरीके का उनका जीवन चरित्र रहा। उन्होंने एक सवैये में कहा कि वर्ष 7 संसार बाल लीला निरहारी, वर्ष 5 22 पाले बहुता धेनुचारी, 11 ऊपर 40 शब्द कथा अविनाशी, बाल ग्वाल गुरु ज्ञान सकल पुगा स्वाप जियासी, 1593 बदिम शरणों आगले पालटिया धू अडिग ज्योति समराधले। जामो जी महाराज ने आज से ठीक 569 वर्ष पहले इस धराधाम पर अवतार लिया। जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जामोजी महाराज की भी जो जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है हिसार में बहुत बढ़िया होता है, तो अभी पिछले दिनों में 570वां दिवस मनाया गया। आज 2 महीने पहले तो जामोजी महाराज ने जो अवतार लिया, उस समय भारतवर्ष की परिस्थिति बड़ी खराब थी। मुसलमानों का राज था, भारतवर्ष स्वतंत्र था और बहुत बड़ी आंच थी हमारे हिंदू धर्म पर। तो 16वीं शताब्दी भारतीय इतिहास के अंदर संत युग, स्वर्ण युग कहलाती है। तो भगवान संतों के रूप में अवतरित होकर के और धर्म की पुनः मानव समाज को सही रास्ते पर लाने की जो है व्यवस्था की, उसी परंपरा में जामो जी महाराज ने अवतार लिया और अवतार लेकर के 7 वर्ष तक मौन रहे और मौन रह करके अनेक दिव्य बाल लीलाएं की और 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है मौन खोला और मौन खोल करके एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। एक कोई तांत्रिक वो जो है आया, उसने कहा लॉर्ड जी महाराज से कहा कि आपका बच्चा लोकवत आचरण नहीं कर रहा है, मैं करा दूंगा। तो उसने जो है, आप जानते हैं कि पूजा की व्यवस्था की, जिस पूजा की व्यवस्था में सबसे पहले दीप प्रज्वलन किया जाता है और दीप प्रज्वलन में वो करने की कोशिश की, वो दीप प्रज्वलित नहीं हुआ। जामो जी महाराज ने पास के कुएं से जल निकाल करके उसमें दीपकों में जल डाल करके चुटकी बजाई, दीपक प्रज्वलित हो गए, बहुत बड़ा चमत्कार। भगवान जब कभी भी अवतार लेते हैं सबसे पहले जो है अपनी मिशन को, अपने कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए गायों की सेवा करते हैं, क्योंकि गायों की सेवा में 33 करोड़ देवी देवता वो जो है गाय में विराजित होते हैं, इसलिए भगवान का देवी देवता परिवार है। परिवार का मुख्य अगर कोई काम करना चाहता है तो उसमें अगर परिवार के सभी सदस्य सहयोग करें तो वो काम सिद्ध हो जाता है, अन्यथा असहयोग आंदोलन से कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता है। जामो जी महाराज ने 27 वर्ष तक गायों को चराया और गायों को चराने के बाद बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा, समत 1535 से लेकर 1542 तक। जामो जी महाराज ने यहाँ आसपास के सभी लोगों के लिए अन्न जल तृण की व्यवस्था की और उसमें 4 शर्तें रखी। पहली शर्त यह सुविधा उसको होगी जो जीव हिंसा नहीं करेगा, दूसरी शर्त यह थी कि नशा नहीं करेगा किसी भी प्रकार का,
तीसरी शर्त यह है कि पाखंड करके भूत पितरों को नहीं पूजेगा, भगवान को ही मानेगा। और चौथी शर्त, मैला कुचेला नहीं रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। चार शर्तें थी। आज भी जो इन चार शर्तों को मानते हैं तो जामोजी महाराज की कृपा उन्हीं पर होती है। लगातार 7 वर्ष जो है ये कार्यक्रम चला, तब लोगों ने जामोजी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज ये व्यवस्था हमेशा कायम कैसे रह सकती है। तो उन्होंने जो है 29 नियमों की आचार संहिता बनाई। 29 नियमों का जो है सूत्रात्मक ढंग से जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति। 29 नियमों का कोई पालन करता है तो जब तक जीवित रहता है व्यवहारिक लोक में, तो तब तक उसके जो है सारी सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं रहती है, और अंत समय में जो है परम गति को प्राप्त होता है। तो यह जो है संदेश दे करके 29 नियमों की आचार संहिता बना करके, और जाम्बोजी महाराज 34 वर्ष 2 महीना की अवस्था में 29 नियमों की आचार संहिता कलश स्थापना करके बिश्नोई पंथ का प्रवर्तन किया, जिसको आज ठीक 535 वर्ष और 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन पहले जो है बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस मनाया गया था। जाम्बोजी महाराज का विशेष दृष्टिकोण ये था कि मानव मात्र व्यवहारिक क्षेत्र में पारंगत होता हुआ परम पद को प्राप्त करे, और जो सुविधा दी जिसमें अनाज दिया तो काम के बदले अनाज निठलों को नहीं दिया। हाँ जो है जोड़ पायतन, पहले यहाँ मारवाड़ प्रांत में पानी की बड़ी कमी थी, तो जोड़ों में जो है खुदाई कराना, पानी की व्यवस्था कराना, तो इस तरीके का जाम्बोजी महाराज का जो कार्यक्रम था। फिर 51 वर्ष तक जो है जाम्बोजी महाराज आत्मोद्धार, समाज उद्धार, समाज कल्याण का उपदेश करते हुए अपना कार्यकाल पूरा करके अपने धाम को गए। 29 नियमों में विशेष बात, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवहारिक क्षेत्र में मनुष्य किस तरीके से रहे, क्या करे, और दूसरी बात यह है कि जैसे सबसे बड़ी पर्यावरण के प्रति जाम्बोजी महाराज की बड़ी सजगता थी, और पर्यावरण के पुरोधा उनको माने तो भी कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। जाम्बोजी महाराज ने 29 नियम में एक विशेष बात बताई कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे। जीव दया, जियो और जीने दो, और वृक्षों के प्रति उन्होंने कहा कि वृक्ष जो है प्राणवायु प्रदान करते हैं, जहाँ वृक्ष होते हैं वह समय पर वर्षा होती है, इसलिए वृक्षों की कटाई करना भी बिल्कुल मना किया। तो उस बात को क्रियान्वित करने के लिए एक खेजड़ली बलिदान हुआ बहुत बड़ा, एक साथ साको कहते हैं उसको, एक साथ बलिदान देना। 363 लोग जो है पेड़ों की रक्षा के लिए उस सामंती युग के अंदर अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन पेड़ों को कटने के लिए जिंदे जी नहीं कटने दिया। आज भी बिश्नोई समाज में ये परंपरा है। पुराने जमाने में जहाँ कहीं बिश्नोई समाज रहता था तो वहाँ क्या होता था कि वन्य प्राणी वन देखने को मिलते थे, वन्य प्राणी जो है निर्द्वंद हर जगह घूमते थे। तब पुराने जमाने में घूमते थे लोग कहते थे यहाँ ऋषियों का आश्रम है, ऋषि रह रहे हैं। अभी बिश्नोई समाज जहाँ भी बसता है, चाहे किसी भी प्रांत में, किसी भी इलाके में, हिंदुस्तान में बसो, तो वहाँ आप देखेंगे वन्य जीव उनके खेतों में स्वतंत्र घूमते हुए, आपको निर्भय होकर के घूमते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी। जाम्बोजी महाराज ने नशों को मना किया, अपनी जो है 29 नियमों की आचार संहिता में कहा अमल तमाकू भांग मद सो दूर ही भागे। सब दुनिया में जितने भी नशे हैं अफीम से, तमाकू से, भांग से बनते हैं, और शराब आदि सब ये जो मद उस शराब को कहते हैं वो गिना दिया।
तो नशों का बिल्कुल जामोजी महाराज ने निषेध किया। और एक सबसे बड़ा जो है उन्होंने कहा, संसार में उपकार ऐसा जो घण बरसंता नीरू, संसार में उपकार ऐसा जो रूही मत देखीरू। सबसे बड़ी जो उपकार की भावना, दूसरे की भलाई की भावना, तो ये जो है ये चीज़ें जामोजी महाराज ने बताई है। वर्तमान समय भौतिक चकाचौंध के कारण लोगों के अंदर इतना बेमनुष्य आपस में जो है आपाधापी ये इतना फैल गया है, तो जामोजी महाराज की शिक्षा आज मानव समाज को नितांत आवश्यक है। मांसाहार का निषेध, नशों का निषेध और जो है राग द्वेष का निषेध, ये सारी बातें जामोजी महाराज ने बतलाई थी, तो वो आज मानव समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 29 नियमों की जो आचार संहिता है उसका पालन, अभी वर्तमान समय में आपका कोरोना है, कोरोना में हाथ धोना, सफाई रखना, दूरी रखना, और हर बात का ही हमारे यहाँ पहले समाज में बिश्नोई समाज में होता था, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जाए वापिस आवे तो हाथ पांव धो करके घर के अंदर घुसो, पहले से ही पहले यह नियम था। तो इसी तरीके से आज वो नियम सरकार ला रही है, और श्वास प्रश्वास के संबंध में भी तो ये दूरी रख कर रखना, ये सारी बातें पहले थी जो आज क्रियान्वित हो रही है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि 29 नियमों की आचार संहिता मानव समाज माने तो आज सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा सुख और शांति मिलना बड़ा असंभव है। लोगों को सजग करें, भ्रमण करने का जो भ्रमणशील कार्यक्रम होता था सब जगह 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 जो है उपदेश प्रचार हवन यज्ञ एकत्रित करके उनको समझाना, ये कार्यक्रम पहले से होता था। तो जामोजी महाराज ने भी इस परंपरा का निर्वहन किया। जहाँ जहाँ जामोजी महाराज विशेष तौर से रुके ठहरे, कोई वार्ता विशेष हुई, उसका नाम है सातरी। और वैसे तो यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह घूमे हैं, राजाओं का महाराजाओं का बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए उनके संपर्क में और उन्होंने भी लोहा माना। तो ये जहाँ जहाँ जामोजी महाराज विशेष ज़्यादा रहे वो जो सातरियाँ कहलाई, जैसे पीपासर है, पीपासर यहाँ से 11 किलोमीटर है, तो पीपासर जामोजी महाराज का जो अवतार स्थल है, और समरातल धोरा ये तपोस्थली है, यहाँ जो 51 वर्ष तक लगातार रह करके उपदेश दिया, और यहाँ जो ये मुक्मुदकी धाम मुकाम है ये समाधि स्थल है, अंतिम जो विश्राम मुकाम का नाम अंतिम विश्राम मुकाम नाम इस बात पर पड़ा है कि जामोजी महाराज ने यहाँ समाधि स्थल है। और यहाँ लालासर सातरी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ जामोजी महाराज ने अंतिम समय जा करके अपना अपने धाम को गए। और इसी तरीके से विशेष चमत्कार जो है लोदीपुर यूपी में मुरादाबाद के पास लोदीपुर है, तो वहाँ जामोजी महाराज ने जो है ठहरे, इसलिए वहाँ भी लोदीपुर को धाम मानते हैं। वहाँ सबसे बड़ी जो है निशान एक रखा, खेजड़ी का वृक्ष लगाया। यूपी में खेजड़ी नहीं है कहीं, लेकिन लोदीपुर मंदिर में है खेजड़ी का वृक्ष लगाया। और जो है इधर जगह जगह चमत्कारी कार्यक्रम हुए हैं, जैसे लोहावट की सातरी है, जामोड़ाव धान पर जो है जामोजी महाराज सरोवर खुदवाया, जम सरोवर, वहाँ जो है उनका आसन रहा, वहाँ जामोड़ाव धाम है। इस तरीके से 8 धाम अलग अलग धाम हैं। रोटू है, रोटू भी वहाँ चमत्कारी कार्यक्रम हुआ, नवरंग का भात भरा, और जामोजी महाराज ने पहले तंबूवादी की व्यवस्था नहीं होती थी, दुनिया ज़्यादा इकट्ठी हो गई, तो उन्होंने एकदम लोग बोले हम मर जाएंगे धूप में क्या करेंगे, अखातीज का समय था, तो उस समय खेजड़ियों के वृक्ष लगाए, 3,700 वृक्ष लगाए, वो आज भी मौजूद है रोटू धाम में। तो इस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम जो है सातरियों में हुए,
विशेष तौर से रुके वो सात्री कहलाई, और चलते फिरते कई जगह सब जगह रुके हैं, चलते रहे उपदेश करते रहे। तो इसलिए धामों की ये विशेषता है। आज भी लोग जो है धामों पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, मनोती मानते हैं, उनकी मनोच्छाएँ पूरी होती है। खेजड़ी, खेजड़ी तो मतलब जो है एक ऐसा वृक्ष है कि वो जैसे पहले मरुभूमि में जो है और पेड़ लगना असंभव था, तो खेजड़ी का ऐसा पेड़ है कि एक तो उसको झगड़ा जड़ नहीं होती है, कील जड़ होती है, बहुत गहरा पानी अंदर से खींच करके वो जिंदा रहता है। और खेजड़ी के अंदर पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम का जो है बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, विशेषता है उनकी, वो ऑक्सीजन विशेष प्रदान करता है। और खेजड़ी के नीचे जो है अनाज आप बो दो तो वो भी मतलब बढ़िया होगा, और जगह से ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए जो है खेजड़ी को सबसे श्रेष्ठ माना, क्योंकि वो यहीं वो ही ज़्यादा थे यहाँ। तो जोधपुर के राजा को किले की दीवार बनानी थी, उस समय चूने से पका करके बनाते थे, तो चूना जो है लकड़ी से पकाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि लकड़ी कहाँ मिलेगी, खेत खलिहान सब जो है पहले राजा के ही होते थे, दुनिया के तो होते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ बिश्नोई बसते हैं वहाँ खेजड़ियाँ हैं, वहाँ लकड़ी मिल सकती है। और जगह तो लोग क्या करते हैं, गोना बकरी पालते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, वो क्या करते हैं काट लेते हैं, पेड़ छोड़ते नहीं हैं, तो पेड़ वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ उन्होंने कहा, किसी ने कहा वो राजा से तो कह नहीं सके, उन्होंने लोगों ने विचार विमर्श किया कि भाई बिश्नोई पेड़ काटने नहीं देंगे, उनके धर्म में मना है। तो एक गिरधरदास जो है वो था, भंडारी था उनका, तो वो वहाँ गया, उसने कहा भाई हम खेजड़ी काटेंगे, उन्होंने कहा हम काटने नहीं देंगे। जांडी हिरण सहार देख सिर दीजिए, ऐसा हमारे यहाँ महापुरुषों का उपदेश है। तो वो काटने की तैयारी करने लगे, उन्होंने मना किया, बहुत हथियारबंद थे। उन्होंने कहा आज तुम खेजड़ी नहीं काटने दोगे, कल कहोगे हम हिस्सा भी नहीं देंगे, इससे कैसे काम चलेगा। तो खेजड़ी से चिपक गई, सबसे पहले अमृता देवी उससे आगे थी, चिपकने के कारण जो है उन्होंने क्या, वो दरिंदे थे, वो उनको काट दिया। कई बिश्नोई कट गए, ज़्यादा कटे, तब जो है वो सब कारिंदे घबरा गए, उन्होंने कुलाड़ियाँ फेंके छोड़ दी, और सारी जनता जो है कूच करने लगी जोधपुर की तरफ। वहाँ जो है राजा को पता चला गया ऐसा अनर्थ हो गया, तो उसने पूरी जनता से क्षमा मांगी, और आइंदा से फिर उसने कानून बनाया, ताम्रपत्र लिख के दिए कि जहाँ बिश्नोई बसेंगे उनकी गायों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, जहाँ बिश्नोई बसेंगे वहाँ वन्य जीवों का संहार नहीं होगा, जहाँ बिश्नोई बसेंगे वहाँ पेड़ नहीं कटेंगे, और किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये ताम्रपत्र दिए बिश्नोइयों को। नारायण नारायण नारायण।